हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित संध्या यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में कुछ प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको जीएसटी नंबर का जरूरत पड़ता है। अगर आप जीएसटी नंबर बना भी लिया फिर भी आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है। इसका मतलब अगर आपका कुछ सेल हुआ तो उस सेल का ऊपर आपका जो जीएसटी होता है या आप कुछ भी जो परचेस करते हो सेल करने के लिए उसका भी एक जीएसटी होता है। उस जीएसटी को आपको गवर्नमेंट को टैक्स के तरफ देना पड़ता है, तो इसलिए आपको हर महीने जीएसटी भरना पड़ता है। तो आप किसी एक जीएसटी कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो आपसे हर महीने 200, 500 and 1000 रुपए तक चार्ज करता है। उसी चार्ज आप नहीं देके आप कैसे घर बैठे बैठे अपना जीएसटी को आप घर से ही भर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे जीएसटी आर 1 का नील रिटर्न आप भर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली इधर सर्च करना है जीएसटी लॉगिन करके। तो मैं जीएसटी लॉगिन सर्च कर लेता हूँ। जीएसटी लॉगिन सर्च करने के बाद देखिए सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है जीएसटी लॉगिन जीएसटी पोर्टल करके, इस ऑप्शन में हमको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए आपका जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, मतलब यूजर नेम पासवर्ड, उसको इधर दे देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड देके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी पासवर्ड देने के बाद देखिए इधर एक कैप्चर है, कैप्चर को आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम आ चुके हैं। उसमें देखिए मेरा जो रिटर्न है जीएसटी आर 1 एंड जीएसटी आर 3 भी वो सितंबर तक फील्ड है एंड अक्टूबर का मैंने अभी तक फील्ड नहीं किया है और नवंबर भी नहीं किया है। अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में कुछ सेल करते हो एंड इस महीने का आपका कुछ सेल नहीं है तो आपको नील रिटर्न भरना पड़ेगा। तो कैसे आप जीएसटी आर 1 का नील रिटर्न भर सकते हो इस वीडियो में हम दिखाएंगे। जीएसटी आर 1 का नील रिटर्न भरने के लिए आपको सिंपली इधर रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको अगर ये टैब नहीं दिख रहा है तो ऊपर में जो डैशबोर्ड सर्विस वाला ऑप्शन है सर्विस पे आपको क्लिक करना है एंड इस पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है रिटर्न्स, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए रिटर्न्स क्विक लाइंस करके कुछ ऑप्शन आ गया है, इसमें आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही देखिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, क्वार्टर है एंड पीरियड है, आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसी फाइनेंशियल ईयर का अक्टूबर मंथ का जो नील रिटर्न है वो मैं भरना चाहता हूँ, तो मैं अक्टूबर को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद सिंपली इधर पीरियड को भी चूज कर लेना है, इसमें अक्टूबर को मैं चूज कर लेता हूँ। इधर जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पर हमको क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करते ही देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है कि ये जो जीएसटी आर 1 है एंड जीएसटी आर 3 भी है, ये दोनों आपको रिटर्न्स भरना होता है। और ये जो दोनों एक्स्ट्रा टैब है इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कुछ परचेज बिल है तो आप इस पे जाके उस परचेज बिल को इधर इंटर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आज जीएसटी आर 1 को फिल करके दिखाऊंगा। तो मैं जीएसटी आर 1 का जो प्रिपेयर ऑनलाइन वाला ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जीएसटी आर 1 का जो डैशबोर्ड है वो ऑन हो चुका है। इसमें देखिए आपका जीएसटी आर नंबर, आपका लीगल नेम सब कुछ दिखाएगा। इसमें स्टेटस में देखिए रेडी टू फाइल दिखा रहा है। अगर आपका रेडी टू फाइल नहीं दिखा रहा है तो इधर एक रिफ्रेश वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके रेडी टू फाइल कर सकते हो। तो फिलहाल मेरा रेडी टू फाइल दिखा रहा है। इसके बाद मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर जो टिक वाला ऑप्शन है इसको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद देखिए इधर बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब रिकॉर्ड्स है, अगर आपका कुछ सेल्स है इधर देना पड़ता है। फिलहाल मेरा कुछ सेल्स नहीं है तो ये कुछ नहीं देता हूँ मैं। इसके बाद देखिए एकदम लास्ट में देखिए जेनरेट समरी करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही देखिए इधर दिखा रहा है कि योर जेनरेटेड समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव, मतलब आपका समरी जेनरेट हो चुका है। इसके बाद अगर आप नील रिटर्न भरना चाहते हो तो इस पर सिंपली टिक करना है एंड नीचे की तरफ जाने के बाद इधर फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करते ही देखिए रिटर्न्स फाइलिंग फॉर जीएसटी आर 1 ये ऑप्शन आ चुका है, इसमें सिंपली आपको टिक करना है। इसमें दिखा रहा है कि ऑथराइज सिग्नेटरी, इसमें सिलेक्ट करके ऑप्शन होगा, इस पर आपका ही नेम दिखाएगा या आपका जो बिजनेस का नेम है वो दिखा सकता है, तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इधर दो ऑप्शन होता है डीएससी और ईवीसी, तो फिलहाल मैं ईवीसी पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल एंड ईमेल में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को इधर एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही देखिएगा आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा कि आपका GST और 1 सबमिटेड हो चुका है एंड आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। ये जो डैशबोर्ड पे दिखा रहा है ये आपका मोबाइल में एक मैसेज भी आ जाएगा। ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप GST और 1 का नील रिटर्न भर सकते हो।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।